हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स और आज इस सीरीज में एक सेट और लेके आया हूँ एमसीक्यू का क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट सीरीज आपको अच्छी लगी तो उसी के फीडबैक पे एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेके आया आयो जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपको वन मार्क नहीं दिलवाएगा यहां से सीखे हुए कॉन्सेप्ट आपको तीन मार्क के क्वेश्चन फोर मार्क के और सिक्स मार्क में भी हेल्प करने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन पार्टनरशिप डिजोल्य बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल टोटल पढ़ने के बाद यह तो क्लियर है कि मेमोरिडम बैलेंस है बट क्या हमें सिर्फ एसेट निकालने क्या उसकी सेल वैल्यू निकालनी है या फिर लॉस तो इस बोर्ड में हम तीन क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकते हैं मगर यहां पर आपने निकालना है कैलकुलेट कीजिए और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने पहला ऑप्शन इलेवन थाउजेंड सेकेंड ऑप्शन ट्वेल्व थाउजेंड एट फोर्टी थर्ड ऑप्शन इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्थ है थर्टी सिक्स हंड्रेड तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आता है आपका आंसर कुछ सेकेंड्स कुछ सेकेंड लगाइए कैलकुलेशन करने में सबसे पहला स्टेप रहेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के संड्री एसेट्स निकालना तो देखते हैं कितने हैं सन्डरी एसेट्स तो यहां पर सन्डरी एसेट्स निकालने के लिए बनाते हैं हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के अंदर जो जो आपको पहले गेमन है वो आप पुट कर सकते हैं जैसे कि यहां पर क्रेडिटर्स हैं तो यू कैन पुट क्रेडिटर्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड टोटल कैपिटल है गिवन और यहां पर ये हो गया वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड ऐसे साइड पर हमारे पास गिवन है कैश बैलेंस ओनली कैश बैलेंस तो कैश लिख दीजिए और अब वन फिफ्टीन माइनस कैश ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका सनडरी एसेट आ रहा है तो वन लाख फिफ्टीन में से एट माइनस करेंगे तो वन लाख सेवन थाउजेंड तो यह आपका बुक वैल्यू आ चुका है अब इसकी मदद से आपने ये देखना है लॉस कितना आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक रियलाइशन अकाउंट और यहां पर सनरी एसेट्स आपने पुट कर देना है वन लाख सेवन थाउजेंड देखिये अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो इसका मतलब है 12 परसेंट लेस मतलब इसको 88 परसेंट पे बेचा गया है तो बाय बैंक सेल किया लॉस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लरिटी के लिए आप समझ लीजिए क्रेडिटर्स को हम यहाँ पुट करेंगे हो सकता है बच्चे इसको निकालना चाहे और कई बार क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की पेमेंट हम कुछ और दे सकते हैं यानी बुक वैल्यू ना बट यहां पे सेम बुक वैल्यू है सो टू कैश सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा बिकॉज क्रेडिटर्स क्लोज भी करे पे ऑफ कर दिए बट हमें निकालना है लॉस और अगर मैं पूछता आपसे इसी क्वेश्चन में सेल वैल्यू तो आप करते बाय बैंक और क्योंकि 12 परसेंट कम पे बेचा गया है तो इसका 88 परसेंट तो क्या रहेगा सेल प्राइस और जो लॉस रहेगा वह ट्वेल्व परसेंट तो सीधा सीधा शॉर्टकट देखें तो 12 परसेंट आपको थाउजेंड का निकालना है और की निकाल के बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर और मेरे हिसाब से आना चाहिए आंसर बी और चेक करते हैं कि आपका आंसर भी बी है एंड ये yes, बी इज द राइट आंसर चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर अगेन अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन

मार्क का क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पैरिटी के लिए यहां दिया गया है कि क्या आप निकाल सकते हैं सिंगल अमाउंट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप तो सबसे पहले तो ये देखिए सब्सक्राइब बट नॉट क्यों फुलशन है बिकॉज एट रुपीज कॉल्ड अप है बिकॉज में से कॉल्ड अप है तो अब बताइए क्या आएगा अमाउंट और यह रहे चार ऑप्शन आपके सामने तो कैलकुलेट कीजिए जल्दी से और देखिए क्या है आपका आंसर यहां पर अगर आप देखेंगे 20 लाख रुपीज है तो 20 लाख रुपीज को 10 से डिवाइड करके पहले तो हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं 2 लाख शेयर्स अब इस टू लाख को बच्चे गलती कर सकते हैं टेन से मल्टीप्लाई करके टेन नहीं लेंगे यहां पर एट रुपीज लेंगे कॉल्स इन एरिया है वह है एट हंड्रेड इन टू फोर थर्टी टू हंड्रेड हम माइनस करेंगे सिक्सटीन लाख में से सिमिलरली फाइव हंड्रेड वाले ने थ्री रुपीज, रुपीज नहीं दिया यानी यहां भी कॉल्स इन एरियर है फाइव हंड्रेड शेयर और फिर कई लोग डी को भी ये नहीं देखा होगा उनको लगेगा ट्वेंटी लाख ,00 के शेयर है और वो इंटू टेन करके टू करोड़ की फिगर में पहुंच जाएंगे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर रुपीज था तो यहां पर टू लाख शेयर लेने थे so, नेक्स्ट क्वेश्चन ने additional capital of 60, the firm, और 60, लोन दिया हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो पार्टनर को मिलेगा करंट अकाउंटिंग पीरियड में वो भी थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री तक यानी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को एडिशनल कैपिटल डाला फर्स्ट ऑफ दिसंबर को ही लोन दिया और 31st तक आपने है कितना रहेगा इंटरेस्ट और यहां पर एग्रीमेंट नहीं गिवन तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर और चार ऑप्शन आपके ये रहे पहला ऑप्शन 4200 सेकंड इज 1400 थर्ड इज 1575 फोर्थ इज 1200 अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस 30000 पे भी इंटरेस्ट देना है तो आंसर है नो बिकॉज़ ये एडिशनल कैपिटल है और अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो कोई भी कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते यहां तक कि अगर फर्म ने कोई लोन दिया है पार्टनर को उस पर भी इंटरेस्ट नहीं होता सिर्फ इसी लोन पे होगा जो पार्टनर ने फर्म को दिया यानी फर्म की लाइबिलिटी तो वो 60, पे अगर हम सिक्स परसेंट क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होता तो 6 होता है, तो तो है इंटरेस्ट इज थर्टी सिक्स हंड्रेड पूरे साल का बट क्योंकि फर्स्ट दिसंबर से थर्टी मार्च हमारे सिर्फ चार महीने होते हैं तो हमें डिवाइड बाई कर लिया तो पर मंथ आ गया थ्री और हमारे पास चार महीने का आ गया ट्वेल्व सो आंसर शुड बी डी चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा डी है बिल्कुल आंसर हमारा डी है और आपका भी मैच कर गया तो आप बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीजन क्वेश्चन आ गया और आपके एग्जामिन के अंदर मैं बताना चाहूंगा रीजन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उसके बेस मैं ये वेराइटी लेके आया हूं तो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले एसे पढ़ेंगे फोकस ऑफ ऑफ कैलकुलेशन वर्किंग कैपिटल अराउंड मैनेजिंग ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस बच्चों ये मैं बताना चाहूंगा जिनका टारगेट है हंड्रेड में से 100 लाने का ये थ्योरी आपको जरूर पढ़ के जानी है वो भी एनसीआर बुक से बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पहली बार में क्लिक नहीं होते अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखे तो ये थ्योरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना बिकॉज यहां पे अगर गलत हुआ तो हंड्रेड का सपना टूट जाएगा तो ये पढ़ने के बाद बादनेस तो है कि क्या फोकस है कैलकुलेशन का वर्किंग कैपिटल जो कि रिवॉल्व अराउंड करता है मैनिंग द ऑपरेटिंग साइकिल प्रॉब्लम ये है ऑपरेटिंग साइकिल का पता होना बहुत जरूरी है व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल जो टाइम पीरियड हमें कैश को रॉ मेटेरियल परचेस करने में रॉ मेटेरियल से प्रोडक्शन करने में फिनिश गुड्स बनाने में फिर उसको बेचने में फिर डेटर्स में कन्वर्ट होने में और डेटर्स से पैसा आने में टाइम पीरियड लगता है यानी फ्रॉम एक्विजिशन टू कन्वर्जन इन टू कैश उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल तो क्या उसका ताल्लुक वर्किंग कैपिटल के साथ है आप सोचिए बताइए दूसरा रीजन इट इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट थ्रू लाइबिलिटीज कितनी जल्दी एसेट्स के पैसे आएंगे करंट कितनी जल्दी एसेस को करना है 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 ये ऑपरेटिंग साइकिल का होती है। तो बताना चाहूंगा, क्या बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ ए एंड आर आर फॉल्स या फिर ट्रू तो क्या है आपका आंसर दुविधा वाला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं यहां पर पहला जो था एसर्शन वो बिल्कुल सही है बिकॉज वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग साइकिल का सीधा सीधा तालुक होता है कि जैसी ऑपरेटिंग साइकिल हमें पता लग जाए कि इतने टाइम में हमारे ये करंट कर लाइबिलिटीज के पैसे आने हैं वैसे ही हम वर्किंग कैपिटल मैनेज करेंगे तो बिल्कुल ट्रू और यहाँ पर रीजन जो इसने दिया है अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल का पता लग जाए तो बोथ ए एन आर टू एन आरेंट एक्सप्लेन चेक करते हैं बी है? होना चाहिए क्या आंसर बी आता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियोज प्राइमरली मेजर्स रिस्क अब रेशियोज एनालिसिस में बताना है ऐसे कौन से रेशियो हैं जो रिस्क को मेजर करते हैं अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है नहीं हो सकता और ये रहे आपके ऑप्शन पहला ऑप्शन सॉल्वेंसी एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दूसरा लिक्विडिटी एफिशियंसी एंड सॉल्वेंसी थर्ड लिक्विडिटी एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड फोर्थ लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी अब पहली बार में क्वेश्चन क्रैक करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए इवन हम टीचर्स को भी पढ़ के दो बार पढ़ना पड़ता है कि क्या है इसका आंसर इसमें बस एक ही ट्रिक है क्या आपको बताना चाहिए कहा आपको यह सिखाया गया कि आइडियल रेशियो होना चाहिए तो आप कहेंगे सर करंट रेशियो में होना चाहिए क्विक रेशियो तो यहां पर एक रिस्क होता है कि अगर करंट रेशियो टू इस बहुत कम हो या क्विक रेशियो क्वन से बहुत कम हो तो रिस्क है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे तो यहां पर लिक्विडिटी रेशियो तो होना चाहिए तो आप देखेंगे लिक्विडिटी फर्स्ट डी और सेकंड में है यानी इसका मतलब यहां पर ये यह आंसर बन सकता है इनमें से उसके बाद अगर आप देखें सॉल्वेंसी में होता है जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो को हम मान के चलते हैं आइडियल या one one, बहुत ज्यादा होने से भी रिस्की हो सकता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होने से भी रिस्की हो सकता है कि बहुत बहुत लो बहुत लो इंटरेस्ट कवरेज होने से भी हमारा रिस्की हो सकता है कि हम इंटरेस्ट टाइम पे ना दे पाए तो यहां पे सोल्वेंसी भी आ रहा है तो दो यहां भी है यहां भी है बट एक एफिशिये टर्न ओवर रेशियो यहां भी एक्टिविटी टर्न ओवर रेशियो और यहाँ भी एक्टिविटी टर्न ओवर रेशियो तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना भी हो तो आप टर्न ओवर रेशियो का कोई आइडियल नहीं है या फिर उसको उसके अंदर हमने कोई ऐसा आपको नहीं पढ़ाया कि रिस्की सिचुएशन होगा तो इन सबको स्टडी करने के बाद हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी आर वही कम हो जीपी रेशो कम हो एनपी रेशो कम हो खर्चे ज्यादा हो या नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रेशो आ रहा है ग्रॉस लॉस आ रहा है तो वो रिस्की सिचुएशन होती है तो इन सब को पढ़ने के बाद हमें आंसर डी लग रहा है लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड तो ये है हमारे फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जो रिस्क को मेजर करते हैं तो आंसर इज डी इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए जो नॉर्मली हमारे वीक रह जाते हैं और वहां हम मार्क लूज करते हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जरूर इस वीडियो को देखिए समझिए और नोट्स बनाते रहिए बहुत काम आने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे चार रीजन दे रखे चार स्टेटमेंट दे रखे इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये बताना है कि इनमें से कौन सी सही है एक भी हो सकती है दो या चारों भी सही हो सकती है तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट

या फिर सेकेंड थर्ड और फोर्थ या फिर सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है अब ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग पहला वाला बिल्कुल ठीक है कि रेशियो एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू नंबर्स दूसरा लिक्विड को एसिड टेस्ट बोलते बिल्कुल सही है और थर्ड वाला फॉल्स है बिकॉज करंट का आइडियल टूस्ट वन होता है डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड द शोल्डर यह भी बिल्कुल ठीक है तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मुझे ठीक लग रहा है यानी कि मुझे बी ठीक लग रहा है और आप भी आंसर मैच कीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए और देखते हैं ये

या फिर वन एंड टू यानी रेशियो एंड कंपेरेटिव या फिर ओनली वन देखिए क्या है आपका राइट right आंसर पढ़ने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन आएगी बिकॉज आपको लगेगा ये तो सारे ही टूल्स हैं एनालिसिस के बट यहां पर वर्टिकल एनालिसिस देखना है तो कौन सा ऐसी एनालिसिस है जिसमें सिर्फ एक साल में काम चल जाता है तो आप देखेंगे रेशियो एनालिसिस वन ईयर की बैलेंस शीट गिवन हो तो वर्टिकली हम Uh, सारा कर सकते हैं जैसे स्टेटमेंट ऑफ़ प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस है तो वहां से हम अपना नेट या, सारे निकाल सकते हैं, या की और कॉमन साइज में भी हमें एक साल का बैलेंस या एक साल का स्टेटमेंट ऑफ फीन हम उससे भी निकाल सकते हैं कॉमन साइज बट कंपेरिटिव में हमें दो चाहिए होते, change, change जो निकालते हैं, तो वो हॉरिजेंटल होती, होती है तो प्लीज रिमेंबर

और मैं कहना चाहूंगा जो आपको पहले शो है 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 उसको कर लीजिए जैसे टूल हो हो गया या हो गया या स्टोर्स इन स्पेस का पार्ट होता है, तो यहाँ पर वन का आंसर डी होना चाहिए फिर देखिए मशीनरी बिल्कुल ईजी रहेगा मशीनरी होता है और वो बिल्कुल अपने सामने, ही है, करने के लिए सामने वाला मैच कर दीजिएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है फिर देखिए पेटेंट्स पेटेंट्स आर इंटेंजिबल टेबल यानी पी पीपी एंड इंटेंजिबल टसेस तो यहां पे सेकंड का आंसर वन होगा और बाकी जो बचा है प्रीपेड इंश्योरेंस वो होता है हमारा अदर करंट एसेट्स तो देखिए ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन और फिर बताइए क्या आपने मैच करने के बाद ऑप्शन निकाल सकते हैं इन चारों में से और इन चारों में से जो मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए बी चेक करते हैं क्या आंसर बी है ये आंसर इज बी तो मैं मैच ऑलरेडी बता चुका हूं आपने भी मैच कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके पहले खुद सोच लीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि फिर आप अपने आप चेक कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस आउट ऑफ द शेयरडर्स फंड ऐसा कौन सा रेशियो है जहां ये बताता है कि ये जो एसेट्स है इसमें ओनर्स ने पैसा डाला है और ये रहे आपके ऑप्शन डेट इक्विटी रेशियो फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो प्रोपाइटरी रेशियो या टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो और आप जानते हैं

द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज वॉट अब आपने क्रेडिट सेल का अमाउंट बताना है और ऑप्शन आपके सामने ये है तो यहां पर अगर देखें चारों ऑप्शन को निकालने से पहले यहां कैश सेल मेंशन है और यहां पर क्या है टोटल सेल की वन है तो यहां पे दो तीन तरीके हैं जो मेंटोस पढ़ाते हैं आपके टीचर्स ने तो कुछ का कहना है कैश सेल को आप एक्स ले लीजिए अगर कैश सेल को एक्स ले लिया तो क्रेडिट सेल कितना होगा ट्वेंटी ऑफ एक्स और आप इन दोनों को एड कर लीजिए इक्वल टू टोटल सेल आप एक्स निकाल सकते हैं यह ट्रेडिशनल है मेथड कुछ स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो कहते है, सर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैश सेल यानी फोर ऑफ कैश सेल इज वन फाइव ऑफ टोटल सेल और सीधा निकालेंगे तो भी फिफ्टी थाउजेंड आ सकता है तो चाहे आप एक्स वाले तरीके से कीजिए या फिर शॉर्ट कट तरीके से दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं और आंसर कितना चाहिए फिफ्टी चेक करते हैं फॉर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री एटी थाउजेंड एंड इन टर्न ओवर इज सिक्स टाइम्स एंड द सेलिंग प्राइस इज 25% फाइव परसेंट अब कॉस्ट आउट ऑफ टेन स्टूडेंट्स थ्री या फोर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सेलिंग प्राइस को और आपके टीचर से बताया भी होगा जब जब सेलिंग प्राइस लिखा हो यहां पर उसको मानते हैं पच्चीस परसेंट ऊपर यानी ऑन कॉस्ट तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉस्ट गिवन है क्या इस फॉर्मूले को देख के और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मुला लिख लेते हैं

और इसी कॉस्ट की ये बात कर रहा है कि पच्चीस परसेंट इसी कॉस्ट का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना था ग्रॉस प्रॉफिट करना था तो ट्वेंटी था वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो, है, तो देखते हैं क्या हमारा वन लाख ट्वेंटी राइट आंसर है चेक करते हैं ये वन लाख ट्वेंटी राइट आंसर आंसर ए क्वेश्चन ट्वेल्थ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अगेन ये वो सारे क्वेश्चन है जहां आप गलती कर सकते हैं

ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने क्या ए और बी बोथ फॉल्स है या बोथ ए एन सी फॉल्स है या बी सी फॉल है या ऑल थ्री फॉल है तो अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है टाइम लीजिए और सोच के आंसर दीजिएगा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फॉल्स वेन ऑल द कंपेरेटिव फिगर्स इन अ बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कॉमन साइज और उसको टोटल के बेस पे परसेंटेज निकालते हैं तो वो हॉर्जेंटल एनालिसिस होती है क्या तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन बताया एनालिसिस में कब होगा जब दो साल के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं यानी जब आप एप्सोलूट चेंज निकालते हैं और परसेंटेज चेंज निकालते हैं वहां आप कहते हैं कि ये हॉर्जेंटल है और जब आप कॉमन साइज बनाते हैं तो एक ही साल से काम चल जाता है जब एक ही साल से तो ये में क्या एक्शन है वर्टिकल हॉर्जेंटल ऐसे होता है तो जब ऐसे करते हैं हॉर्जेंटल तो हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर निकाल के

वही लाइन ऐसे करके मतलब कर तो है, है, है. अगेन दो सालों को कंपेयर करना तो अगेन कर तो वो क्या होगा ना vertical. Vertical में तो एक साल में ही काम चल जाता है तो ये भी फॉल्स है तो आंसर मेरे हिसाब से तीनों फॉल्स है आपका आंसर क्या है और मैच करते हैं देखिए ये रहा आंसर आपके सामने yes, जि ये ऑल थ्री और जिस जिसने ये क्रैक कर लिया था क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में करेगा कि सर मेरा आंसर बिल्कुल डी था जल्दी से और कर दीजिएगा नीचे इनमें से कौन कौन से आंसर आपके रॉन्ग थे या कौन से आपके करेक्ट थे यानी जो अगर आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपका ब्रेन उन क्वेश्चन को पकड़ लेगा और बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होने देगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहां पर अगेन एसेसन रीजन है और बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है जिसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इलेवेंथ के भी अच्छे होने चाहिए पहला एसेशन है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस प्रॉफिट इसका रीजन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज करेक्ट और ये चार ऑप्शन नाउ इसको समझाने के लिए आप आंसर देख लीजिए पहला बोथ ए एन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन बोथ ए एन आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ओनली आर इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट और बोथ ए एन आर इज रॉन्ग दोनों गलत हैं क्या लगता है आपको आंसर तो देखिए इसको समझाने के लिए इलेवेंथ क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारा क्रेडिट साइड पे आता था यहां पे इलेवन क्लास में तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है यानी ये क्रेडिट साइड बढ़ रही है जो कि हमारी प्रॉफिट वाली साइड होती है तो इसके बढ़ने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पे भी सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है बढ़ता है तो यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा आंसर इज यस बिकॉज जब जब प्रॉफिट वाली साइड बढ़ेगी यहां पर सेल्स भी होती है अगर आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा फाइन अब बात यह आती है ये कहता है कि प्रॉफिट बढ़ता क्यों है वो कह रहा है क्योंकि क्लोजिंग के इन्वेंट्री के इंक्रीज होने से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिड्यूस होता है यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रिड्यूस होती है एंड नाउ वॉट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस होता था अब आप देख लीजिए जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है और माइनस वाली चीज बढ़ रही है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कम हो जाएगा सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिर जाएगा और कॉस्ट के गिरने से खर्चे के कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल ठीक है रीजन और इसका करेक्ट आंसर है तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो है दोनों सही हैं बिल्कुल और

पहला ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ ए आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन बोथ ए एंड आर आर इन करेक्ट या फिर ए करेक्ट है और आर इन करेक्ट है अब देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं इसको सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सोच लीजिए क्या होता है तो आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग रेशियो जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपको बता दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है और जिस रेशियो में प्रॉफिट वर्ड नहीं है वो कॉस्ट लेना यानी ऑपरेटिंग रेशियो में प्रॉफिट वर्ड नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी है तो ये होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू तो यहां अपॉन आरएफओ 100 ये फार्मूला पहले हम समझ लेते हैं अब ये कह रहा है कि अगर ये रेशियो हाई होता है

टू मीट द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कह रहा है कि अगर आपके ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ते रहेंगे तो इसका मतलब ये है आप नए भी मीट कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपका हाई मार्जिन तो होगा नहीं लो मार्जिन होगा और जब लो मार्जिन होगा तो आप अपने बिजनेस के अलग से खर्चे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे यानी कि फाइनेंशियल एक्सपेंसिस या जो खर्चे आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको मीट नहीं कर पाएंगे आपका मार्जिन सफिशेंट नहीं होगा तो ये भी फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स हैं देखते हैं हमारा आंसर क्या है कि ये yes,

उजेंड अपॉन टेन थाउजेंड था और हमने पांच हजार का पे किया तो पांच हजार अगर हम पे करते हैं तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है टू और आंसर आ गया यह तो ये ये तो तो बिल्कुल गलत बात है ये तो हो ही नहीं सकता और जिनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो सब बच्चे जानते हैं पूरे साल पढ़ने के बाद कि अगर आपका करंट रेशियो मोर देन वन है यानी से ज्यादा है तो जब भी ऊपर नीचे चीजें माइनस होंगी हमेशा रेशियो बढ़ेगा ये रूल ऑफ थम है इफ द करंट रेशियो इज मोर देन रेशियो इंक्रीज होगा ये करके भी देख लेना और रूल ऑफ थम भी समझ लेना यहीं परस हजार में, में मान लो मैंने गुड्स उधार पे लिए हैं पांच हजार के अब पांच हजार के गुड्स उधार लेने में ऊपर तो गुड्स बढ़ेंगे और नीचे करंट लेबलिटी बढ़ जाएगी पांच हजार से तो अब टोटल कितना हो गया थर्टी थाउजेंड अपॉन फिफ्टीन थाउजेंड और अब आंसर आ गया टू इज वन तो यस डेफिनेटली ऊपर नीचे प्लस होने से ये रेशियो गिरेगा ये भी रूल ऑफ थर्म है कि अगर करंट रेशियो मोर देन वन है और ऊपर नीचे कोई आइटम प्लस होती है तो रेशियो गिरता है सिमिलरली शॉर्ट टर्म लोन लिया जब शॉर्ट टर्म लोन लेंगे मान लीजिए पांच शेयर का तो यहां पे कैश इंक्रीज हो जाएगा और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्रीज हो जाएगी वहां भी टू शोर आ जाएगा तो इन दो ऑप्शन में सेकेंड और थर्ड के अंदर हमारा करंट रेशियो पॉइंट फाइव से गिर के टू आ जाएगा और यहां पर टू और थ्री किस ऑप्शन में लिखी हुई है में yes, में तो तो हमारे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए है. करते हैं yes, D is the right answer. तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इस सीरीज में देखा कितने अमेजिंग क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले कैलकुलेशन वाले थ्योरी वाले जहां पर मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं और ये आपके पेपर में भर भर के आने वाले हैं क्योंकि हम सीबीएसई में चेक करते हैं कितनी अच्छी आप थ्योरी भी पढ़ के आए आपके टीचर्स ने हमेशा आपको क्लासरूम में समझाया होगा कि प्रैक्टिकल जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका टारगेट है हंड्रेड मार्क्स का तो मैं अकाउंट्स गुरु आपको एश्योर कराता हूं कि आने वाले वीडियोस में इन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा हूं ब्यूटीफुल यानी अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ यही वीडियोस देख के आप अपना ड्रीम टारगेट अचीव कर सकते हैं तो जो मेरे मेंटोस देख रहे हैं वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर करें और जो फ्रेंड्स हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज वॉट जब आप शेयर करते हैं तो एक हैप्पीनेस मिलती है दूसरे के चेहरे पर स्माइल आती है और अकाउंटेंसी आपको ईजी लगने लगेगी तो वेट कीजिएगा अगली सीरीज और भी अमेजिंग आ रही है इंस्टाग्राम पर रील्स आ रही है बहुत सारे इनोवेटिव और हमारे यूट्यूब चैनल तो है ही आपके पास प्लस इंस्टाग्राम इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी में ज्वाइन कीजिए और आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग चीजें आपको हेल्प करने के लिए आ रही हैं तो तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे और जाते आते वही हमारा सिग्नेचर साइड यस आप करना शुरू कर दीजिए बिकॉज बॉडी में एनर्जी आती है आप चार्ज करते हैं और सुस्ती भाग जाती है तो चलिए बाय बाय लव यू टेक केयर मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में बहुत जल्दी